नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। शाहरुख खान की मालिकाना वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल रिटेंशन में 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया और इसमें से शुभमन गिल का नाम बाहर कर दिया गया। हालांकि ये चौंकाने वाला फैसला था क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने रिटेन किया लेकिन शुभमन गिल को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि हो सकता है कि ऑक्शन में वो शुभमन गिल पर जितना भी पैसा हो सके लगाकर उन्हें फिर से टीम में शामिल करें, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के साथ जिस तरीके से शुभमन गिल ने ओपनिंग की है वो काबिले तारीफ रही है। इसीलिए ये जोड़ी शाहरुख खान की टीम तोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन जो कि भविष्य का कप्तान बताया जा रहा था उसे ही टीम कोलकाता ने बाहर कर दिया है, क्योंकि आयन मॉर्गन को रिटेन नहीं किया गया है और आयन मॉर्गन आईपीएल 2022 में हो सकता है किसी टीम द्वारा खरीदे भी न जाएं। ऐसे में कोलकाता अपने नए कप्तान की तलाश में था और शुभमन गिल सबसे बेहतरीन चॉइस थे, लेकिन शुभमन गिल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कप्तान। लेकिन आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया उनमें आंद्रे रसेल 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती पर 8 करोड़, वेंकटेश अय्यर 8 करोड़, सुनील नरेन 6 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं और ये 4 खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन किया है। कप्तान आयन मॉर्गन को बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि भविष्य के कप्तान गिल को भी उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया है।